Assalamu alaikum students. In the class of fundamental physical chemistry. अच्छा जी last lecture जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया था पीछे और वो actually अचानक ही ख़त्म हो गया तो उसमें मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ भी नहीं कह पाई. Anyways, fine. It was actually the last slide. वो आखिरी slide थी और मैं ये सोच रही थी कि अभी एक और slide बाकी है और जब मैंने एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन दबाया तो वो रिकॉर्डिंग जो है ज़ाहिर है वो ख़त्म हो गई क्योंकि अगले वाली स्लाइड जो है वो नहीं थी क्योंकि अगला लेक्चर जो है अगर वो उसमें शामिल हो जाता तो वो बहुत लंबा हो जाना था और ये वाला जो पार्ट टू है फॉर द वेरीफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल फॉर द वेरीफिकेशन ऑफ ड्यूल नेचर वो मैंने अलहदा बनाया हुआ था इसलिए वो ऐसे हो गया. एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी उसके लिए देखें आपको जो पिछला लेक्चर है उसकी कुछ चीज़ों को रिमाइंड करना पड़ेगा जिसमें एक ये था एंगल फाई और एंगल फाई ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दिस इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड स्कैटर्ड रे. ठीक है इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब क्या किया कि डेविसन एंड जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ फाई की जो थी वो वाई एक्सिस के अगेंस्ट ली. ठीक है और जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं वो उन्होंने एक्स एक्सिस पे उसको स्टडी किया. अच्छा जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन है वो उन्होंने डिफरेंट वोल्टेज पे स्टडी की यानी जैसा कि यहाँ पर दिया गया है ये 44 वोल्ट है ये 48 वोल्ट है ये 54 वोल्ट है और ये 64 वोल्टेज है. ठीक है अब देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर एक लो टेंशन बैटरी थी और एक हाई टेंशन बैटरी थी तो ये वाला जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो हम हाई टेंशन बैटरी से उसको सेट कर सकते हैं यानी इस हाई टेंशन बैटरी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट को अंडर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे. ओके तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं कि हम हाई टेंशन बैटरी के ज़रिए वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं तो वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बाय मींस ऑफ हाई टेंशन बैटरी. तो डेविसन और जर्मन ने क्या किया कि अंडर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया जिसमें उनके पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फाई आई और इसी तरह उन्होंने इसको प्लॉट किया अगेंस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस. अच्छा वो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके पास जब इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल से डिफरेंट डायरेक्शंस में डायफ्रेक्ट हुए तो वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जो डिटेक्टर है जो कि मेजर करता है रिस्पांस को ठीक है ऑफ द रिफ्लेक्टेड और डायफ्रेक्टेड रेडिएशंस जो कि पिछले लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डिटेक्टर जो है वो डी भी लगा हुआ है और वो डिटेक्टर डी जो है वो क्या करता है वो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशंस. अच्छा वहाँ डेविसन और जर्मर ये होप कर रहे थे ये उम्मीद कर रहे थे कि डिटेक्टर उनको जो है वो एक ख़ास पोजीशन पे मतलब वोल्टेज की एक ख़ास मिकदार पे उनको बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी जो है उस स्कैटर्ड रेडिएशन की वो डिटेक्टर शो करेगा. वो किस लिए कि इलेक्ट्रॉन्स उनका ख्याल था कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे आफ्टर डिफ्रैक्शन
और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड रेडिएशन की वो डबल या ट्रिपल या बहुत मैक्सिमम हो जाएगी। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये एक ऐसा फिनोमेना है जो वेव्स के साथ एसोसिएटेड है। तो इस तरह से वो सोच रहे थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे, और जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे तो जो डिटेक्टर है वो इस चीज़ को नोट कर लेगा। और डिटेक्टर में रिस्पांस क्या आना था कि इंटेंसिटी रेडिएशन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये जब उन्होंने इंटेंसिटी डिफरेंट वोल्टेज पे उन्होंने जब ये प्लॉट की, यानी स्कैटर्ड जो ये एंगल है फाई, विच इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रेडिएशन, जब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई को उन्होंने प्लॉट किया अगेंस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस एट डिफरेंट वोल्टेज, तो उन्होंने ये देखा कि जब फाई की वैल्यू 50 डिग्री हुई, 50 डिग्री थी, यानी जो स्कैटर्ड रेडिएशन ये जो एंगल था, जब ये फाई की वैल्यू 50 थी, सो दे हैव सीन अ बम्प और किंक। तो हमेशा उन्होंने ये वाला बम्प और किंक जो है ये इस तरह से ये ग्राफ के अंदर मिला। ठीक है, और अब ये बम्प और किंक जो है उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे ये वोल्टेज की वैल्यूज बढ़ती गई, यानी 44 वोल्ट पे ये बम्प का, जैसे ये किंक का ये वाला साइज था, और जो अगर वो एक्सलरेटिंग पोटेंशियल या वो जो हाई टेंशन बैटरी से जो पोटेंशियल हम वेरी कर सकते हैं वो पोटेंशियल उन्होंने 48 वोल्ट किया, तो ये बम्प बढ़ गया। और फिर उन्होंने ये देखा कि 54 वोल्ट एक ऐसा एक्सलरेटिंग पोटेंशियल था कि जिस पर ये बम्प जो है वो मैक्सिमम था, और उसके बाद जब उन्होंने फर्दर उसको इंक्रीज किया तो ये बम्प जो है इसकी वैल्यू फिर कम होना शुरू हो गई। अच्छा जी, तो इससे उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं कुछ नतायज अखज किए, जो कि क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई। तो उन्होंने ये कहा कि जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड रेडिएशन की ये डिपेंड कर रही है एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे, यानी जिस तरह एंगल ऑफ स्कैटरिंग ये ऊपर को बढ़ रहा है इसी तरीके से आप देखें ये इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ रही है बीम की, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। द बम्प इंक्रीजेस एज द एक्सलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस इंक्रीज्ड। तो आप देख सकते हैं ये बात मैं पहले भी सॉरी ये वाला पॉइंट था पहले, अ बम्प और किंक ऑलवेज अकर्स इन द कर्व व्हेन फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो फाई की वैल्यू जब ये 50 डिग्री है तो यहाँ पर एक बम्प, या इसको किंक आप बोलते हैं, तो ये अपियर होता है। ठीक है, और ये बम्प जो है यानी इसकी वैल्यू में, ये इसकी वैल्यू में इंक्रीज होता है जब फाई की वैल्यू जो है जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो इस बम्प या किंक में भी इंक्रीज होता है। एट 54 वोल्ट दिस बम्प इज मैक्सिमम एंड देन इट डिक्रीजेज ऑन फर्दर इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 54 वोल्ट पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम है, और फिर जब हम इसको फर्दर इंक्रीज करते हैं तो ये जो है वो आप देख रहे हैं, ये ज़रा ब्रॉड सा यहाँ पे मैंने शो किया है। ब्रॉड से मुराद यही है कि अब ये ब्रॉड सा हो गया है और इसमें ये शार्पनेस नहीं रही, जो ये इंडिकेट करता है कि ये इस बम्प की मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो गई है बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये वाली पीक जो है, इस तरह की पीक का मिलना, इस तरह की पीक का मिलना ये वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये वाला बम्प जो है उस वक्त मिला जब इलेक्ट्रॉन ने आफ्टर डायफ्रेक्शन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो किया, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, ये वेव्स की प्रॉपर्टी है, और एक्सरेज भी ऐसा ही रवैया शो करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये वाली प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली कि मैटर या मटेरियल पार्टिकल जो हैं वो भी वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में पहले तो हमने एक्चुअली थियोरेटिकली आप कह लें कि इस चीज़ को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, और अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ जो कि एसोसिएटेड है विद इलेक्ट्रॉन्स।
तो एक तो वो फिर उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो हम लेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और फिर एक वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी द ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और देखें, रिसर्च में ये क्राइटेरिया होता है कि आपके पास एक हाइपोथेसिस होता है, उसको आप अप्लाई करके किसी चीज़ की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अगर फिर आप उसके बाद क्या करते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, तो जो हाइपोथेटिकली आप जो वैल्यू प्रपोज करते हैं वो वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो सही साबित हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे कि अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है उसमें जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में कुछ वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली हम मेजर करेंगे और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उस उन वैल्यूज़ को हम ये ब्राग्स इक्वेशन में लगाएंगे, ठीक है। और ब्राग्स इक्वेशन में लगा के हम ये लैम्डा की वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और ये होगी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, ब्राग्स थ्योरी के मुताबिक जो हमने एक्सपेरिमेंटल ये वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है उसके लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं वो है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये वाली इक्वेशन हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे। उसमें देखें ये डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर्स ऑफ एटम्स पैरेलल टू द सरफेस। अब देखें, हमने जो इसमें मटेरियल या जो निकल क्रिस्टल हमने यूज़ किया है, ठीक है, तो डी हम किसको कंसिडर करेंगे कि डी जो है वो उस क्रिस्टल के अंदर निकल के एटम्स की लेयर्स, ठीक है, सरफेस के ऊपर निकल के एटम्स की दो लेयर्स विच विच आर पैरेलल टू ईच अदर, और उन दोनों लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये डी उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ एटम्स, राइट। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थीटा जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और इसकी वैल्यू जो है वो हम एक्सपेरिमेंट से लेंगे, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो हमें बता सकता है कंप्यूटर से कि थीटा की वैल्यू कितनी है। एन जो है दिस इज एन इंटीजर, और लैम्डा जो है दिस इज वेवलेंथ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आप देखें, ये दिस इज द पॉइंट टू कंसिडर। थीटा इन दिस एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंड टू बी 65 डिग्री व्हेन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग वॉज मैक्सिमम एट 54 वोल्ट। तो हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने 54 वोल्ट को काफ़ी डिस्कस किया है, और उसमें हमने ये देखा था कि 54 वोल्ट पे जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है इट वॉज मैक्सिमम। तो फिर जो एंगल हमने लेना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी हमने 54 वोल्ट वाला ही लेना है। तो 54 वोल्टेज पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो देखा गया वो था 65 डिग्री, एंड दिस वी विल टेक फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। तो ये थीटा की वैल्यू आपके पास 65 डिग्री होगी, ठीक है। और इसके बाद ये जो डी है ये लैटिस स्पेसिंग, ये डी की वैल्यू है 0.91 ऑंगस्ट्रॉम। सो दिस वी नो फ्रॉम द लिटरेचर, दिस इज एन अदर स्टडी एक्चुअली, कि निकल का जो क्रिस्टल है उसमें जो एटम्स की जो दो लेयर्स हैं पैरेलल लेयर्स उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो ये एक्सरे वाले एक्सपेरिमेंट से हम ये डिटरमिन करते हैं, एक्सरे डायफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट से। तो ये डी जो है ये बराबर है 0.91 ऑंगस्ट्रॉम के, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में लगाएंगे, 2 × 0.91 ऑंगस्ट्रॉम इंटू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 65 डिग्री, दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन इज इक्वल टू 1। अच्छा, एन जो है फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है कि जब हम ये फिनोमेना स्टडी करते हैं तो हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वेव लाइक नेचर लाइक दिस, ठीक है, वेव लाइक नेचर इस एक्सपेरिमेंट में शो कर रहा है, तो इसके अंदर डिफरेंट ये मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से हमारे पास वैल्यू आती हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए एन की वैल्यू हम वन लेंगे।
अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि जब हमने ये सारी वैल्यूज लगा के लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की, दिस कम्स आउट टू बी 1.65 ऑंगस्ट्रॉम, और ऑंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो बन जाती है 1.65 × 10⁻⁻¹⁰ मीटर। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड वैल्यू ऑफ वेव लेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अब हम द ब्रॉगली हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं कि द ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसको मेजर करने के लिए उसने ये एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है वो किस तरह से आया, दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। एनीवेज, इस इक्वेशन के जरिए है तो वो बेसिकली हमने लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी के जरिए ही ये फॉर्मूला निकाला है, तो इसको एक्चुअली हमने एज सच ले लेना है। इस पॉइंट पे लैम्डा जो है द ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक 1227 ओवर वी अंडर रूट। अब वी जो है अगेन ये वोल्टेज की वैल्यू है, और इन इन सारी वैल्यूज को लगा के जो कैलकुलेटेड वैल्यू है लैम्डा की एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन वो है 1.67 ऑंगस्ट्रॉम, विच इज अगेन इक्वल टू 1.67 × 10⁻¹⁰ मीटर। सो दिस इज प्रपोज्ड और हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ लैम्डा एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन। सो दीज टू वैल्यूज, आई मीन दीज आर क्वाइट गुड, दिस इज अ वेरी गुड एग्रीमेंट। यू कैन सी दैट दिस इज 1.67 × 10⁻¹⁰ मीटर, दिस इज द हाइपोथेटिकल और प्रपोज्ड वैल्यू, एंड दिस इज वेरी वेरी मच इन क्लोज अप्रोक्सीमेशन इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विच इज 1.65 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो इस तरह से डेविसन और जर्मर ने जो है वो ये साबित कर दिया कि जो मटेरियल विच इज़ द वेरी वेरी स्मॉल मटेरियल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, और उसके साथ जो वेव लेंथ एसोसिएटेड थी उन्होंने इसको मेजर किया, और उस मेजर वैल्यू को, उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को फिर जब ये प्रपोज्ड या जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है उसके साथ कंपेयर किया गया, सो इन वेरी वेरी गुड इन एग्रीमेंट विद ईच अदर। ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली, राइट? I have enjoyed it a lot delivering this lecture. Hope you people have also enjoyed it, right? And if there is any problem, you are very welcome and comment. With this, Allah Hafiz till the next lecture.